के बाबू क्यों ऐसे चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। अरे इतना जल्दी में क्यों है? कैसे नहीं रहेंगे, घर पे तो इतना मौका मिलता नहीं है। इतना भाभी जी पर इतना अत्याचार मत करिए। तो किस पे करूं? वैसे भी घर पे तो मौका मिलता नहीं है, सब घर पे ही रहते हैं। आज थोड़ा बहुत मौका मिला है, आपको बुलाया था कि चलो भाई मजा, थोड़ा सा सन्नाटा जगह है, कुछ मूड लगता है आपका बहुत खराब हो गया। आज पूरा खराब है मूड, पूरा आज के ऐसा मूड कभी नहीं खराब हुआ था। वैसे भी लड़की भी क्या चीज होती है, उसके बिना मर्द सबको अधूरा, बहुत अधूरा रहता है। अब भाभी यार कभी तो ऐसा मौका मिलता नहीं है हमें, अब मौका मिला भी तो कितना सुहाना जगह है, देखो ऐसा सुहाना जगह तो कभी मिलने देखने को भी जल्दी नहीं मिलता। अब घर से बाहर निकलेंगे तभी है ना। भी नहीं, शाम का टाइम है, कोई देखेगा भी नहीं, चलिए ना। तो किस बात की देरी है? देरी कैसे नहीं है, तो चलिए ना, किस बात की देरी है? आप खाइएगा? नहीं नहीं, वो सब हम नहीं खाते हैं। खाइएगा तब ना जवानी चढ़ेगा। आप अपना जवानी चढ़ाइए रखिए ना, हमको वैसे ही जवानी चढ़नी है। ये सब टॉनिक है, आप लोगों के लिए वो टॉनिक है, तो हम लोगों को भी ये होता है ना टॉनिक सा। आपका टॉनिक हम है ना तो हो गया ना। तो नहीं जाना है घर पे? कोई किसी को बोल क्या है कि ऐसे चल दिए? घर पे बोल दिए हैं, हम जाते हैं खेत की तरफ देखने के लिए, अझाणी में आ गए। मेरे विषय में भी कोई पूछ रहा था कि कहाँ गया, हमको पूछ तो रहा था, हम बोले हमको नहीं पता है, हम वैसे भी उसका क्यों ध्यान रखेंगे, हम बोल दिए। सही बात, न तो मालूम पड़ेगा कि दोनों आदमी साथ में गया तो कहेगा कि कहाँ गया था दोनों, आप इस रास्ता से जाना हम इस रास्ता से जाएंगे। अच्छा ठीक है, क्या करें इस पर, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला कहा जो होगा सब सही। ठीक है, वैसे भी आपका भी शादी करवाना बहुत जरूरी हो गया। अरे आप अपने बहन से करवा दीजिए, दोनों बहन साथ में रहेगा, वो तो करवाते नहीं है। आपका बाबूजी दहेज देने से इन्ना के मुंह चीर के बैठा रहता है। वैसे भी आजकल दहेज लेना होना पाप है, आपको पता नहीं है, दहेजे पर अति अटकल रहते हैं। दहेज दहेज दहेज, मेरे बाप के पास पैसा नहीं आता कि आपको दहेज देगा। नहीं देगा तो तुम्हारे बहन कुमारे रह जाएगा, बुढ़ी हो जाएगा, दांत इना के चीर के मर जाएगी। मैरिज कर लेगी, होगी या बात खत्म, उतना दहेज के लिए नहीं मरते हैं। तुम जैसे कर ले भैया को फंसा के। हाँ करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, 50 लाख रुपया सोच दिया, 50 लाख रुपया देने के लिए होना चाहिए। बाबू को बचा लिया 50 लाख, मेरा बाप को घाटा लगा दिया। दहेज लेना कानूनी अपराध है, हम आपको बता रहे हैं। ये कौन सा किताब में लिखा हुआ है कि लड़का को पटा के शादी कर लो? दहेज नहीं लेना, लिए बिना नहीं मानते हैं तो क्या करे, लड़का को पटा लेते हैं, हो गया माँ बाप। हमारे बाबू का तो 50 लाख रुपया बच गया। हाँ बचेगा तो बचेगा, वही 50 लाख मेरे पास रहता तो हम बिजनेस करते लीजिएगा ना। तो अभी सब पूरे फैमिली को दहेज के अथी में अरेस्ट करवा देंगे, बता रहे हैं हम। डोरिया छोड़ो, अपना लोग जो है तुम बात करो, बोलो लाइन पे तो आ गए ना, जाना है, चलिए।